दार्चुलाको कालापानी र खलङ्गा क्षेत्रमा निरन्तर भारतीय दादागिरी सहितको भारतीय सेनाको हेलिकप्टर उडिरहेको छ। यसबारेमा स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। सेनाको क्याम्प, सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प र नेपाल प्रहरीको क्याम्प माथिबाट निरन्तर उडिरहेको छ। तर यस विषयमा जानकारी गराउँदा पनि नेपाल सरकार भने मौन रहेको छ। पछिल्लो समय उत्तराखण्ड, पन्जाब, काश्मीर, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका केही युवाहरूले पनि नेपालको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न थालेका छन्। नेपालीहरूलाई नचलाउन र नेपालीहरूको शक्ति के हो, नेपालीहरूको तागत र इतिहास के हो, यसबारेमा बुझेर मात्र बोल्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरू सधैँ नेपालको पक्षमा सपोर्टर भएको र यसबारेमा कसैले आपत्ति जनाएमा आफूहरूले केही नभन्ने बताएका छन्। आफूहरू हरदम नेपालको सपोर्टर रहेको र नेपाललाई माया गरिरहने पनि उनीहरूले भिडियोबाट बताएका छन्। नेपालीको बारेमा आज मैं बात गर्न चाहता हूं। बेशक लोग कहते हैं ये बात नेपाल बहुत छोटा है, लेकिन एक लिहाज से अगर आप नेपाल में जाओगे ना, आप गुम हो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि नेपाल तुम लोगों को दिखने में छोटा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा कंट्री। और नेपाली लोग जो होते हैं ना, उनसे कभी भी मत ललकारो, क्योंकि कहते हैं ना, सोते हुए शेर को कभी भी मत जगाना। याद रखना ये बात, नेपाली भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और उनको सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नेपाली बात तो मुझे आता नहीं, वरना नेपाली ज़बान में मैं कहता, लव यू नेपाल। नेपाल दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल की टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ है। नेपाल की टोटल लिटरेसी परसेंटेज 68% है। मतलब 30 करोड़ में से 68% लोग नेपाल के पढ़े लिखे होते हैं। तभी तो नेपाल को किसी का गुलाम नहीं होने दिया, तभी तो नेपाल को कभी किसी के आगे झुकने नहीं दिया। नेपाल एक ऐसा कंट्री है पूरे एशिया में जहाँ से सबसे ज़्यादा नर्सेज पढ़े लिखे निकलती हैं और पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज और सेवाएं देती हैं। मैंने कभी भी नेपाल के लोगों को भीख मांगते हुए, चोरी करते हुए नहीं देखा। वो पंचर बना लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, मगर कभी भी चोरी नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगते, जैसे हमारे यहाँ सरदार। हमें नेपाल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक छोटी कंट्री, उनके दिल बहुत बड़े हैं। ऐसे ऐसे काम कर गए जो आज तक किसी कंट्री में नहीं किया। नेपाल कभी किसी का गुलाम था ना होगा, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी है, उनके अंदर इकाई है और उनके ब्लड में गोरखाली खून दौड़ रहा है। जय नेपाल। लोग मुझसे पूछते हैं, आप नेपाल को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं और नेपालियों से प्यार? तो सुनिए, आपके लिए, क्या आपने कभी देखा है नेपालियों को भीख मांगते हुए? क्या आपने कभी देखा है नेपाल के लोगों को भीख मांगते हुए डोर टू डोर? कभी वो भीख नहीं मांगते, उनके रगों में, उनके खून में खुददारी भरी हुई है। मेहनत का खाते हैं और रात में चैन की नींद सोते हैं, वो होते हैं रियल नेपाली। इसलिए मैं नेपालियों के रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। जैसे हमारे इंडिया में सरदार लोग कोई भी काम कर लेंगे मगर भीख नहीं मांगेंगे, गुरुद्वारा बैठ जाएंगे वहाँ पर गुरुद्वारा में जाके, मगर कभी भीख नहीं मांगेंगे। ऐसे नेपाली होते हैं वो खुददार। तो क्यों ना हम मोहब्बत करें, क्यों ना सपोर्ट करें नेपाल का। आई ऑलवेज स्टैंड विद नेपाल एंड आई ऑलवेज लव विद नेपाली पीपल। एंड नमस्ते हुजूर, नमस्ते दाई, के हालचाल खबर? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नेपाल से हूँ। मैं नेपाल से नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली से हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं, आप नेपाल को सपोर्ट क्यों करते हैं और आपको नेपाली क्यों पसंद है? इसका रीज़न बता रहा हूँ, उसकी वजह बता रहा हूँ। क्योंकि लैंड ऑफ बुद्धा, द ग्रेट गौतम बुद्ध जी वहाँ पैदा हुए हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल से बहुत अच्छी हीरोइन मनीषा कोइराला जी बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं और बहुत अच्छे सिंगर नेपाल से ही हैं, वो हैं उदित नारायण जी, जो हमारे साथ काम बॉलीवुड में कर रहे हैं। और एक और बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो भी नेपाल से हैं, सुनील थापा जी। तो ये सारे एक्टर्स और वहाँ की सबसे अच्छी जो फोर्स से बोलते हैं गोरखा रेजिमेंट, इंडिया में काम कर रही है। नेपाली इतने हार्डवर्किंग होते हैं, इतने सक्सेसफुल हैं और उनकी लिटरेसी परसेंट, इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, 63.49 लिटरेसी परसेंट है। इस वजह से मैं नेपाल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग, बहुत प्यारे होते हैं। जय नेपाल, जय हिंद। यार प्लीज़ मुझे नेपाली लैंग्वेज सिखा दो यार, नेपाली भाषा सिखा दो यार, प्लीज़। हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मुझे सारी भाषा आती है यार। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, बंगला आती है, अरबिक आती है, सब लैंग्वेज आती है यार, नेपाली नहीं आती। मुझे नेपाल बहुत पसंद है, मैं नेपाल घूमा भी हूँ, पोखरा गया हूँ नेपाल में। और नेपाल का जो गोरखा रेजिमेंट है, इंडिया में काम करता है, कितनी अच्छी फोर्स है यार। प्लीज़ मुझे नेपाल सिखा दो यार, नेपाली में सीखा भी हूँ, पता है, कुछ
कुछ कुछ जैसे दाई नेपाली छे खुद से सिखाओ खुद से प्लीज़ नेपाली सिखा दो कोई, जितना भी पैसा लेना ले लेना, अगर घर पर बुलाओगे घर पर आ जाऊँगा सीखने के लिए, पैसा जितना लेना ले लो बट नेपाली सिखा दो यार। लैंग्वेज कितनी क्यूट लैंग्वेज है यार, कितनी अच्छी लैंग्वेज है, आप मुझे सिखा दो इंस्टाग्राम पर कहीं भी सिखा दो प्लीज़ यार। हाँ ओए नेपाली हूँ तुमसे बोल रहा हूँ, हाँ तुमसे बोल रहा हूँ, अपने आपको समझते क्या हो बे, टिकटॉक पे 10,000 फॉलोअर्स कर लिए अपने आपको गुंडा समझ रहा है हुँ? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ बाबा सॉरी कि मतलब इतना हैंडसम हैंडसम नेपाली लड़के कैसे हो रहे हैं यार, इतनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़कियाँ, कभी कभी करता है दिल गुज गुज करने का यार, इतना कैसे है? क्या खा के पैदा हो रहे यार, लड़कियों की हाइट देख रहे हो नेपाली लड़कियों की, इतनी बड़ी लंबी लंबी आईब्रोज, ये लंबी लंबी कान को टच कर रही है यार, क्या खा के पैदा हो रहे हो भाई, बता दो इंडिया को फेल कर दिया तुम लोगों ने खूबसूरती में और एजुकेशन में, भाई कोरिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ एजुकेशन ले रहे हो भाई, नर्स इतनी सारी नर्सें सिर्फ नेपाल से निकल रही है, नेपाल से भाई रियली क्या खाते हो यार बता दो प्लीज़ यार, हम इंडियन वालों को हम लोग को भी खूबसूरत होना है, टॉल हाइट होना प्लीज, एंड रियली आई एम टेलिंग यू गाइस।